एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हुडिया, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये फेस्टिव ग्लैम मेकअप लुक, जो दिवाली के लिए तो एकदम परफेक्ट है ही। अब किसी भी ओकेजन में आप ये लुक को क्रिएट कर सकते हो। एंड हैप्पी दिवाली एवरीवन। एंड मेरा नया बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताना। हाय, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है रिया शाह, आई एम अ कंटेंट ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर। एंड आपको यहाँ पे नया नया मेकअप लुक्स, ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट, प्रोडक्ट्स रिव्यू, हर चीज़, ब्लॉग, मिनी ब्लॉग सब कुछ मिलेगा मेरे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। एंड प्रोडक्ट्स, ब्यूटी ब्लॉगिंग जो भी होता है, तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इनसाइट की प्राइमर। आप कोई भी प्राइमर यूज कर सकते हो, आप डीवी बेस, मैट फिनिश जो भी है आपके पास, आप वो यूज कर सकते हो। प्राइमर यूज करना मस्ट है। मैं आज प्रॉपर तरीके से मेकअप करूंगी स्टेप बाय स्टेप। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इनसाइट का प्रो कंसीलर पैलेट में से कोई सा भी शेड, मेरा स्किन से मिलता जुलता, जो मेरे स्किन से एकदम परफेक्टली मैच होता है, वो लेके मैं मेरे डार्क एरियाज पे अप्लाई करके ब्लेंड कर लूंगी। बहुत ही अच्छा, मतलब इवन टोन फेस हो जाएगा। नेक्स्ट मैं मेबेलिन फिटमी का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, पोरलेस फाउंडेशन, जो एकदम आप चाहो तो यूज कर सकते हो या आपका जो फेवरेट फाउंडेशन है आप लगवा सकते हो। अच्छे से ब्लेंड कर लेना, एकदम प्रॉपर मतलब कवरेज वाला फूल चाहिए तो आप एकदम थोड़ा सा और लेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंगल लेयर ही अप्लाई कर रही हूँ। मैं मेरे आईब्रोज करूंगी। आप सबसे पहले आईब्रोज को कोम कर लूंगी, एक प्रॉपर अच्छा सा शेप दिया हुआ है। आप चाहे तो मेकअप के पहले आईब्रो जरूर कर लेना, क्योंकि आईब्रो फेस का एकदम स्ट्रक्चर बदल देता है, एनहेंस करता है मेकअप को। तो मैं यहाँ पे कोम करके मार्स की पैलेट में से ग्रे शेड को लेकर मेरे आईब्रो को फिल कर लूँगी, जहाँ पे खाली खाली लगता है मुझे। देन मैं स्विस ब्यूटी की कंसीलर जो है उससे मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, एकदम प्रॉपर शेप लगेगा वो, बहुत अच्छा होगा फेस्टिव मेकअप के लिए, एकदम नीट क्लीन, कुछ भी मेसी वगैरह नहीं है। आप इस स्टेप को ज़रूर करना, आप देखना आपके आई मेकअप, आपका ओवरऑल लुक, आपके एकदम आईब्रो का शेप में ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको नोटिस होगा। जहाँ पे कंसीलर वगैरह अप्लाई किया आपको वहीं पे अप्लाई करना होगा एक लाइटर शेड लेकर, तो आपका फेस बहुत हाईलाइट दिखेगा अच्छे से। नेक्स्ट मैं जूडियो के यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर ली हूँ एकदम भर भर के, क्योंकि ब्लश मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये दिवाली पे फेस्टिव सीजन पे आप थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा भी लगवाओगे तो ज़्यादा मेकअप नहीं लगेगा, क्योंकि इतना हैवी मेकअप हम लोग करते हैं दिवाली पे। मैं यहाँ पे नाइट टाइम की बात कर रही हूँ। तो स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है ना, वैसे भी मैंने मेकअप स्टार्ट करने से पहले अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया था, इसलिए आप चाहे तो मॉइस्चराइजर के बाद कोई भी इल्यूमिनेटिंग प्राइमर या कुछ डीवी सब बेस अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पाउडर लूंगी फिसस कनाडा की, जो लेकर मैंने अपने अंडर आईज को अच्छे से सेट कर लिया। आई मेकअप के लिए पहले मैं ब्राउन वाला जो शेड आपको दिख रहा है वो लूंगी, मैं अब क्रीज पे आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी। आई मेकअप भी मैं थोड़ा सा ग्लिटरी शिमरी रखूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है फेस्टिव सीजन पे। यू विंटर का टाइम आ रहा है अभी, तो एकदम चमकीला धमकीला जो मतलब लुक होता है वैसा करेंगे हम। तो अच्छे से आपको ब्लेंडिंग करना है, फ्लफी सा ब्रश को लेकर, ब्लेंडिंग इज द की। आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना, कोई भी आप आई शेडो कोई भी कलर लगवा रहे हो तो। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, एक पिंकिश शिमरी शेड लूंगी, जिसको मैं मेरे आईबॉल के ऊपर अप्लाई करूंगी एकदम अच्छे से। और थोड़ा सा मैं एक ब्रश लूंगी पतला सा, जो ब्लैक शेडो लेकर मैं लाइनर की तरह ड्रॉ करूंगी, एक स्मोकी लाइनर का लुक भी आएगा गाइज। एंड मैं आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लैक शेड अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर दूंगी ब्राउन कलर एंड पिंक कलर से, तो आंखों में एक डेप्थ मिलेगा, एक प्यारा सा शेप आएगा, सबको लगेगा कि हमने बहुत मेहनत की है आई मेकअप के लिए। बस गाइज ये 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल मस्करा वस्करा लगा के। आईज पे बस मैंने एक ब्राउन शेड लिया पेंसिल ब्रश के ऊपर एंड उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया और कुछ नहीं। नेक्स्ट मुझे अभी थोड़ा सा ग्लिटर लगवाने का मन कर रहा है, तो मैं एक पिंक शेड लेकर मेरे जो पिंक कलर मैंने अप्लाई किया था वहां पे थोड़ा टैप टैप कर लूंगी, बहुत ही ब्लिंगी ब्लिंगी ग्लिटरी शाइनी इफेक्ट देगा। देन एक प्यारा सा लिपस्टिक का शेड अप्लाई कर लिया, मार्स की मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। अब मैं 2-3 कोट अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे फॉल्सेस भी एडिट कर सकते हो। एंड लिपस्टिक का कलर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है सूखने के बाद। नेक्स्ट मैं हाईलाइटर यूज कर रही हूँ आई शेडो में से, एक शैम्पिन शेड और गोल्डन शेड को मिक्स करके। यहाँ पे मेरा मेकअप कम्प्लीट हो जाता है, हाईलाइटर तब जरूर यूज करना। गाइस,
गाइज दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है. अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. आपका अप्रिशिएट करेंगे मेरे काम को तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. टिल देन मिलूंगी मैं नेक्स्ट वन पे. टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर.